नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। ललितपुर से सिंगराली रेलवे लाइन बननी है, जिसके तहत इन दिनों रीवा से आगे की ओर पटरी बिछाई जा रही है। लगभग रीवा से गोविंदगढ़ 20 किलोमीटर तक पटरी बिछा दी गई है, लेकिन पिछले एक साल से यहाँ के किसान नौकरी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक वायरल वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है, रीवा के उड़की गांव के पास किसानों ने एक बार फिर से ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के पहिए थम गए। ये वो ट्रेन थी जो निर्माण कार्य के लिए सामग्री लेकर आगे जा रही थी, लेकिन किसानों का कहना था, सरकार ने वादा किया था हम नौकरी देंगे, 2011 के पहले हमारी जमीन ले ली, लेकिन आज 12 साल से ज़्यादा लंबा वक्त हो गया, हमको नौकरी नहीं दी गई। अगर नौकरी नहीं दी तो हमारे परिवार का कैसे गुजारा होगा, जिसके चलते हम अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए ट्रेन रोक रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो किस तरीके से जारी हुआ, किस तरीके से किसानों ने ट्रेन रोकी, ट्रेन रोकने के बाद किसानों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। ट्रेन किसके लिए आप रुकवाए थे? रुकवा रहे हैं हम, किसानों को नौकरी नहीं मिली 2011-11-19 के पहले जो जमीन ग्रहण किया था। कितने किसान से प्रभावित हैं अभी? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली 4000 किसान प्रभावित। तो कुछ आश्वासन मिला ऊपर से? कोई आश्वासन नहीं मिला। कोई आता है यहाँ? हाँ, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, आते हैं तो बोलते रहे कि ट्रेन जाने तो माल जाने दो, हम नौकरी देंगे। कोई आता है पुलिस का दबाव बनाते हैं, मुकदमा लगा पुलिस। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।